Now start. Let me start. Doing something to relax is called creation, recreation. Doing something to relax is called recreation. Recreation means होता है मनोरंजन. कुछ काम करके जो रिलैक्स हमें मिलता है, आराम करने के लिए कुछ करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिक्रिएशन बोलेंगे. अगर हम रिलैक्स करेंगे उस दौरान जो हम लोग रिलैक्स करने के लिए जो काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन. मीन्स होता है मनोरंजन. रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन. मनोरंजन मनोरंजन करते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं, है ना. नेक्स्ट इज पीपल रिलैक्स एंड हैव फन इन डिफरेंट वेज. लोग रिलैक्स करते हैं और मजा करते हैं अलग अलग तरीके से. वी लाइक टू रीड स्टोरी बुक एंड लिसन टू सॉन्ग ऑन द रेडियो. हम पसंद करते हैं स्टोरी बुक को पढ़ना या फिर रेडियो पर सॉन्ग सुनना. ये हम इससे पसंद करते हैं. ठीक है. इन स्कूल में वी एंजॉय प्लेइंग खो खो विद आवर क्लासमेट्स. स्कूल में हम एंजॉय करते हैं खेलकर खो खो खेलकर अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लासमेट्स जो होते हैं हमारे साथ पढ़ाई करने वाले छात्र होते हैं उनके साथ खो खो खेलकर हम एंजॉय करते हैं. प्लेइंग गेम्स इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी. अंडरलाइन करिए इस पे, यहाँ अंडरलाइन करिए. प्लेइंग गेम्स इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी. गेम खेलना अच्छा व्यायाम है हमारी बॉडी के लिए एंड द माइंड, और हमारे माइंड के लिए. अंडरलाइन कर लीजिए. व्हेन वी प्ले आउटडोर गेम्स, जब हम खेलते हैं आउटडोर गेम्स, वी रन एंड जंप, हम दौड़ते हैं और कूदते हैं. विच गिव गुड एक्सरसाइज टू द बॉडी पार्ट्स, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है. यहां से लेके और यहां तक पूरा अंडरलाइन करना है आपको. क्लियर है? अंडरलाइन समझ में आ गया कहां से कहां करना है? ये पूरी अंडरलाइन करनी है. ये अंडरलाइन कर लीजिए. ओके. नेक्स्ट लाइन इज रनिंग एंड जंपिंग मेक यूज ऑफ आवर एनर्जी एंड वी फील हंग्री अगेन. दौड़ने से और कूदने से हम अपने एनर्जी को क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं. हम अपनी एनर्जी को दौड़ने से कूदने से यूज कर लेते हैं एंड वी फील हंग्री, और फिर हमें दोबारा से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है. वी फील हंग्री, हम फिर से भूखे महसूस करते हैं अपने आप को. विच इज अ हेल्दी साइन, जो कि एक बहुत ही अच्छा हेल्दी साइन है. प्लेइंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स मैनी बेनिफिट्स टू आवर बॉडी. खेलना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें देता है बहुत सारे बेनिफिट्स देता है हमारी बॉडी को. प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी. अंडरलाइन करिए. प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी. इट कीप्स अस फिजिकली फिट एंड स्ट्रांग. ये हमें भौतिक रूप से फिट रखता है और स्ट्रांग रखता है. ठीक है, मजबूत रखता है. इट मेक्स अस फ्रेश एक्टिव एंड मेंटली अलर्ट. ये हमें बनाता है फ्रेश एक्टिव और मेंटली अलर्ट. मानसिक तौर पे हमें बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है, अलर्ट बनाता है, अवेयर कर देता है. इट इंक्रीजेज आवर पावर ऑफ कंसंट्रेशन. ये हमारी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है. कंसंट्रेशन माने होता है एकाग्रता. एकाग्र होकर हम पढ़ते हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ना. ये हमारे ध्यान को या हमारे एकाग्रता को क्या करता है? इंक्रीज करता है. वी आर एबल टू वर्क मोर एंड इन अ मच बेटर वे. हम लोग किसी भी काम को, ज्यादा से ज्यादा काम को करने में सक्षम हो जाते हैं एंड इन मच बेटर वे, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं. नाउ अंडरलाइन दिस लाइन. गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम. वह गेम जो घर के अंदर खेले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंडोर गेम, घर के अंदर गेम खेलने वाले. एग्जाम्पल्स ऑफ इंडोर गेम्स आर चेस, स्नेक्स एंड लैडर्स, कैरम. ये तीनों गेम्स कैसे हैं? इंडोर गेम्स हैं. अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन करिए. गेम्स दैट वी प्ले इन द प्लेग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम. वह गेम जो हम लोग प्लेग्राउंड में खेलते हैं उन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं. एग्जाम्पल आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल. ये सभी कैसे हैं? ये दौड़ने, भागने, कूदने वाले हैं.
जिनके लिए ज्यादा बड़ी स्पेस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग बाहर जाके खेलते हैं, आउटडोर गेम्स कहते हैं इन्हें हम, क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम्स। ओके यस, आउटडोर गेम्स, गेम्स एट स्कूल, वी हैव अ लार्ज प्ले ग्राउंड इन आवर स्कूल, हम लोग हमारे स्कूल में बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड होता है, या हम रखते हैं बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड हमारे स्कूल में, वी प्ले गेम्स देयर, हम वहां पर गेम्स खेलते हैं, आवर स्कूल प्ले ग्राउंड इज वेल मेंटेन्ड, हमारे स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है वो वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे से बना हुआ है, लाइक द पीरियड्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट चिल्ड्रन हैव गेम्स पीरियड टू, जैसे हम लोग सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के पीरियड लगते हैं, वैसे ही बच्चों के लिए गेम्स के पीरियड भी होते हैं, दे ईगरली वेट फॉर दिस पीरियड, वो बहुत ही बेसब्री से, ईगरली मीन्स बेसब्री, वह बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं, इस पीरियड का इंतजार आप लोग भी करते हो ना, आप सभी लोग किसका इंतजार करते हो, आप लोग गेम्स पीरियड का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड चिल्ड्रन लर्न टू प्ले डिफरेंट गेम्स, ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड के दौरान बच्चे सीखते हैं अलग प्रकार के गेम्स को, द स्कूल प्रोवाइड्स द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू प्ले गेम्स, स्कूल का जो स्कूल जो है वो प्रोवाइड कराता है स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स, यानी कि बैट बॉल पैड, या फिर हम लोग बोले कि क्रिकेट में जो हेलमेट होता है हेलमेट, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ये इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है गेम खेलने के लिए, तो स्कूल जो है वो प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को ये सब चीज़ खेलने के लिए, प्ले गेम्स दीज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं आर कैप्ट इन द स्पोर्ट्स रूम, ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं इन्हें कहाँ रखा जाता है, स्पोर्ट्स रूम में रखा जाता है, जो कि एक स्पोर्ट्स रूम बनाया जाता है स्कूल में, उस स्पोर्ट्स रूम में आपको टेनिस रैकेट रैकेट बॉल रैकेट की बॉल होती है वो, और क्रिकेट बॉल क्रिकेट का हेलमेट क्रिकेट के जो पैड्स होते हैं वो, ये सारी चीज़ें उसमें रखी रहती हैं, ठीक है, चिल्ड्रन रिटर्न दीज इक्विपमेंट्स, चिल्ड्रन इनको क्या करते हैं, इन इक्विपमेंट्स को रिटर्न कर देते हैं, लाइक बॉल को बैट को रैकेट को शटल कॉक को फुटबॉल को एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों को ये लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न करते हैं स्पोर्ट्स टीचर को आफ्टर द गेम पीरियड, गेम पीरियड के बाद स्पोर्ट्स टीचर को ये सारी चीज़ें क्या कर दी जाती हैं, रिटर्न कर दी जाती हैं, लौटा दी जाती हैं, प्लेइंग गेम्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेक्स अस डिसिप्लिन्ड, अगर खेल के नियम, अगर बच्चे जो हैं वो खेल के नियम के अनुसार खेलेंगे गेम्स को तो क्या बनाएंगे, तो वो डिसिप्लिन में रहेंगे, है ना, इसलिए प्लेइंग गेम्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स, गेम खेलना है रूल्स के अकॉर्डिंग, उन्हें कैसा बना देता है, डिसिप्लिन्ड बना देता है, अनुशासन में बना देता है, अगर गेम्स का कोई रूल ना हो तो आपस में क्या हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ी हो जाएंगे, बच्चे आपस में लड़ने लग जाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज गेम्स एट स्कूल इन द इवनिंग, शाम को आफ्टर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क को कंप्लीट होने के बाद वी यूजुअली गो टू द नियर बाई पार्क टू प्ले विद आवर फ्रेंड, हम अपने पास के पार्क में चले जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने के लिए, वी डू नॉट क्वारल, हम नहीं लड़ते वाइल प्लेइंग इन द पार्क, जब हम पार्क में खेलते हैं तो हम नहीं लड़ते हैं, वी फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स देयर टू, हम फॉलो करते हैं गेम्स के रूल को भी हम लोग फॉलो करते हैं, वी प्ले हाइड एंड सीक, हम खेलते हैं वहाँ पर छुपन छुपाई, टच एंड रन छूने का और दौड़ने का, लंगड़ी टांग इन द पार्क, हम पार्क में कौन कौन से गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक टच एंड रन लंगड़ी टांग, ये सारे गेम्स हम लोग खेलते हैं। चिल्ड्रन हु डू नॉट लाइक टू गो आउट, जो बच्चे बाहर खेलना पसंद नहीं करते हैं प्ले इंडोर गेम, वो इंडोर गेम खेलते हैं लाइक कैरम स्नेक एंड लैडर चेस, प्लेइंग टुगेदर साथ साथ खेलना, वाइल प्लेइंग वी मस्ट इंश्योर दैट, जब हम खेलते हैं तो हम ये पक्का कर लेते हैं नो वन इज लेफ्ट आउट, कोई भी छूटेगा नहीं, वी शुड प्ले विद एवरीवन, हम सभी के साथ खेलेंगे, इन आवर क्लास एंड नेबरहुड, हम अपनी क्लास के सभी बच्चों के साथ खेलेंगे और नेबरहुड के साथ, ऐसा नहीं है कि हम 6 या 7 स्टूडेंट हैं
सिक्स एंड सेवन चिल्ड्रन है, तो उसमें से सिक्स को लोग, सिक्स लोग जो है वो आपस में खेल रहे हैं, एक बच्चे को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सेवन को भी हम किसी न किसी तरीके से इंक्लूड करके उसको भी खेलने के लिए खिलाएंगे अपने साथ, ठीक है। देर आर नो गेम्स दैट आर स्पेशली मीन फॉर बॉयज और गर्ल्स, कोई भी स्पेशल गेम नहीं है जो मतलब इसका मीन है कि बॉयज और या गेम या गर्ल्स ही खेल सकते हैं। देर आर नो गेम्स, ऐसा कोई गेम नहीं है दैट आर स्पेशली मीन बाई बॉयज और गर्ल, या किसी स्पेशल बॉय के लिए या गर्ल्स के लिए बनाओ, सभी बच्चे आप खेल सकते हैं सभी प्रकार के गेम्स को। एवरीवन प्ले कैन प्ले ऑल द गेम्स टुगेदर, सभी लोग सभी प्रकार के गेम्स को खेल सकते हैं ना। एवरीवन कैन प्ले ऑल द गेम्स, साथ साथ सभी लोग सभी बच्चे साथ साथ सभी प्रकार के गेम्स को खेल सकते हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आई बेटा, दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम तो बता देना, ठीक है, इसके बाद बताना जब मैं पूछूंगा तब। नेक्स्ट इज प्लेइंग टुगेदर हेल्प इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अंडरस्टैंडिंग हारमोनी एंड रेस्पेक्ट फॉर वन अनदर। प्लेइंग टुगेदर, साथ साथ खेलना हमें हेल्प करता है हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, हमारे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में, और रेस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति कैसे रहता है, रेस्पेक्ट रहता है कि आज इसने ज़्यादा अच्छे रन बनाए तो खुशी की बात है, ऐसा होता है ना क्रिकेट खेलते हैं तब, है ना। फन एंड फाइट एट प्ले, फन एंड फाइट मजा करना गेम, फन करना फाइट करना गेम में। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ मीन ऑफ रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन, गेम्स और स्पोर्ट्स दोनों ही वैसे एक ही चीज़ होती है, आर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन और आराम के क्या है साधन होते हैं ये। दे ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड फिटनेस, ये हमें हमारी फिटनेस को बनाने में हमारी मदद करते हैं, ये हमारी फिटनेस को भी बनाते हैं, हेल्प करते हैं बनाने में। बट समटाइम्स प्लेइंग टुगेदर लीड्स टू फाइट, साथ साथ खेलना लड़ाई को भी क्या करता है, लीड कर देता है ना, लड़ाई को भी ले आता है। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ावा दे देता है। सम चिल्ड्रन स्टार्ट शाउटिंग फाइटिंग एंड बुलिंग अदर चिल्ड्रन, कुछ बच्चे जो होते हैं वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, फाइटिंग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, और क्या करने लग जाते हैं, क्या कहते हैं, बदमाशी करने लग जाते हैं बच्चे आपस में। वी शुड ट्राई टू रिसॉल्व सच फाइट्स, हमें उनकी फाइट्स को, इस तरह की फाइट्स को क्या करना चाहिए, रिसॉल्व कर देना चाहिए, रिसॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि उसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। वन वे टू अवॉइड फाइट्स एट प्ले इज टू म्यूचुअली डिसाइड द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम इन द फ्रेंडली मैनर बिफोर बिगिनिंग इट, इस तरह की जो फाइट होता है उसको उससे बचने के लिए, इस तरह की फाइट से बचने के लिए हमें मैनुअली डिसाइड कर लेना चाहिए, पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे इस गेम के, फ्रेंडली मैनर से, ताकि सभी को ये पसंद आए। कब करेंगे ऐसा, गेम की शुरुआत में, जब हम कोई गेम खेलने वाले हों उससे पहले ही आपस में मिलकर रूल्स और रेगुलेशन बना देने चाहिए, ओके, ताकि और वो रूल्स और रेगुलेशन सभी लोगों के लिए के हित में हो, फ्रेंडली मैनर का हो। कब बनाना चाहिए, जब गेम खेलने वाले हों उससे पहले, है ना। फन विद फैमिली मेंबर्स, अपनी फैमिली मेंबर के साथ जो फन करते हैं। फ्रेंडली फंक्शंस लाइक बर्थडे पार्टीज एंड वेडिंग फंक्शंस रिसर्च रिफ्रेश अस, फैमिली फंक्शंस जो भी आते हैं जिसमें बर्थडे पार्टीज होती हैं, शादी ब्याह होते हैं, इसमें क्या होता है, हम अपने आपको इन सब के ऐसे जो फंक्शन होते हैं उसमें अपने आपको रिफ्रेश कर लेते हैं। वी मीट आवर रिलेटिव, हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, एंड फ्रेंड्स ऑन सच ओकेजन, इस प्रकार के जो ओकेजन होते हैं उस पर अपने दोस्तों से मिलते हैं, और किससे मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। फेस्टिवल्स लाइक होली दिवाली ईद क्रिसमस पोंगल एंड गुरु पर्व ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू अस, त्यौहार जैसे कि होली दिवाली ईद क्रिसमस पोंगल और जो गुरु पर्व होते हैं, इन सब पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जॉय करते हैं, खुश हो जाते हैं इस पे, और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं बच्चे लोग, है ना, हम सभी लोग। वी हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन फेस्टिवल, हम इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं उसे बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। समटाइम्स वी गो फॉर अ पिकनिक, कभी कभी हम पिकनिक पे जाते हैं। वी प्ले इन द ओपन, हम खेलते हैं खुले में, एंड हैव अ लॉट ऑफ फन, और बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं।
द साइट ऑफ एनिमल्स एट द जू रिफ्रेश अस, यानी कि जो जू होता है जहां पर एनिमल साइट्स यानी बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं, ऐसी साइट जिसे हम उसे हम क्या बोलते हैं, जू कहते हैं, जू कहते हैं यानी चिड़ियाघर कहते हैं, वहां पे जाके हम लोग क्या वो हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं उन्हें देखकर, और उनसे उन्हें देखकर या प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट हमें मिलता है वहां पर नेचुरली जो चीज़ें मिलती मिल जाती है, इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। वी लर्न सो मच अबाउट एनिमल बिहेवियर एट द जू टू जू वी लर्न, हम सीखते हैं वहां पर एनिमल की बिहेवियर के बारे में, जू में जाकर हम एनिमल की बिहेवियर के बारे में बहुत अधिक से अधिक सीख पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम वहाँ जाके आसानी से सीख सकते हैं। क्लियर है? ओके। समटाइम्स वी गो टू अ फेयर टू हैव फन, हम कभी कभी मेले में भी जाते हैं। फेयर आर एन एंजॉयबल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन फॉर चिल्ड्रन, फेयर यानी कि जो मेले होते हैं वहाँ वहाँ पे जाके हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, मनोरंजन करते हैं, बच्चे बहुत मनोरंजन करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं, है ना। वी ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट अ फेयर, हम वहाँ पर अलग प्रकार के खाने को भी खाते हैं, मेले में जाते हैं और तरह तरह की चीज़ें होती है खाने की वहाँ, तो वो सोचिए खाते हैं। वी कैन ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फन, हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा फन करते हैं एट द सर्कस, सर्कस में जाते हैं और हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्कस में जाके बहुत ज़्यादा है फन कर सकते हैं, बहुत मज़ा कर सकते हैं। द जोकर एंड द ट्रेपीज आर्टिस्ट एंटरटेन अस विद देयर ह्यूमरस एक्ट एंड एक्रोबैटिक ऑन द स्विंग, जोकर और आर्टिस्ट जो कि जाल पे बैठे रहते हैं या फंस जाते हैं वो हमें एंटरटेन करते हैं और अपने जो उनकी एक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा हंसने वाले जो एक्ट होते हैं, ह्यूमरस जो है एक्ट होते हैं उन्हें दिखाते हैं। और एक्रोबेटिक का मतलब होता है, एक्रोबेटिक का मतलब होता है कलाबाजी करना, और वो बहुत ज़्यादा कलाबाजी करते हैं स्विंग करके, है ना, झूले से, आपने देखा होगा सर्कस में झूले वगैरह होते हैं उनसे वो लोग बहुत मज़े करते हैं और हमें भी उनको देखकर बहुत आनंद आता है, बहुत मनोरंजन करते हैं, हम रिलैक्स करते हैं खुद को। सो स्टूडेंट ये चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है।